पांच राज्यों के जिन चुनावों को 2024 के लिए सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा था, उन चुनावों में तीन राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली। हिंदी पट्टी के तीन राज्यों में बीजेपी की यह जीत बेहद शानदार रही, तो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस दक्षिण में तेलंगाना में जीत हासिल कर पाई। इन नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन के भीतर तरह तरह के सवाल उठने लगे, तरह तरह के बयान दिए जाने लगे। क्या कांग्रेस अब गठबंधन की मुख्य धुरी बनी रह सकती है? क्या गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका बदल लेगी? और सबसे बड़ा सवाल यह भी कि हाल के चुनावों में और उसके बाद जिस तरह विपक्षी दल एक दूसरे की फजीहत करते नजर आए, उसके बाद इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा? हम जरूर जाते लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। जो परिणाम आए हैं आने वाले समय में, इससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। हम एक साल से कितना दिन से कोशिश कर रहे हैं, बाकी बीच में चुनाव होता है तो सब पट्टियां अपने अपने लिए लगे लहराता है। कांग्रेस को भी थोड़ा दिल बड़ा करके एक इंडिया गठबंधन की सामूहिकता के प्रति संवेदनशील होना होगा। सबको साथ लेकर प्रचार करना चाहिए था। कांग्रेस जल्दबाजी में गई कि हम जीत रहे हैं, हमको किसी की जरूरत नहीं। तो ये जो इन लोग वस्त्र हरण शुरू किए ना, अब महाभारत का रंग देखिएगा। सेब और सेब बदले की भावने से ये किए गए हैं, ठीक नहीं। हर व्यक्ति खड़ा होकर सदन में उस पर बोल रहा था, पर उनको बोलने का और सफाई देने का मौका नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि ये न्यायोचित नहीं है। गांठें भी अजीब होती है, बंध जाए तो गठबंधन, उभर आए तो चिंता। विपक्षी एकता की मौजूदा स्थिति यह है कि गठबंधन वाली तस्वीर में कभी गांठें उभरी हुई नजर आती हैं, तो कभी बनती हुई। कांग्रेस ये जमींदारी जो मेंटेलिटी है वो छोड़ के प्रॉपर सीट एडजस्टमेंट करके अगर मैदान में उतरा तो लोकसभा में भाजपा को हराना ये मुमकिन है। चलिए, तीन महीने के बाद उनको दोबारा इंडिया अलायंस याद आया, अब देखते हैं उस पे क्या बात होती है। I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside parliament, outside parliament. All of us are with her and we genuinely believe that women should be treated much better. All of us MPs. ये तस्वीरें कम सिक्के के दो पहलू ज्यादा नजर आते हैं। एक तरफ एक कहानी, दूसरी तरफ दूसरी। महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द हुई तो विपक्ष सत्ता पक्ष के खिलाफ एक साथ आ गया। डेमोक्रेसी, how the betray the democratic rights, how the betray even the self defense of the victims, they didn't allow. आज गांधी और अंबेडकर की आत्मा रो रही होगी। जो चोर होता है उसकी माँ ज्यादा चिल्लाती है चोरों को लेकर, चोरी को लेकर, तो ही है। जबकि गठबंधन इंडिया की एक तस्वीर ये भी है जब तेलंगाना में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जा रही थी। मंच पर कांग्रेस के सीएम शपथ ले रहे थे लेकिन गठबंधन के बाकी साथी नदारद थे सिवाय एक प्रतिनिधि के। जबकि कुछ महीने पहले ही दोस्ती की कस्में खाई जा रही थी जब चंद महीने पहले कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई थी। 6 दिसंबर को दिल्ली में गठबंधन इंडिया के साथियों की मीटिंग रखी गई लेकिन टालनी पड़ी क्योंकि कई बड़े नेताओं ने अपनी अपनी मजबूरियां बताकर आने से मना कर दिया। न ममता आई, न नीतीश, न अखिलेश, न सोरेन और न ही स्टालिन। इसका एक मीटिंग होना था तो ममता दीदी तो बोल दिया था प्रॉपर टाइम में, उनका पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो दूसरे सीनियर लीडर्स भी थोड़ा उनका जो कहना है कह दिया। अब एकता के मायने क्या समझे जाए? जो मुद्दे सीधे तौर पर चुनाव से जुड़े नहीं उन पर साथ हैं और जिन मुद्दों से पार्टियों का मुकद्दर तय हो सकता है उन पर साथ नहीं है। महुआ मोइत्रा के मुद्दे पर साथ हैं, सीट बंटवारे को लेकर तस्वीर साफ नहीं। बीजेपी के खिलाफ हर मुद्दे पर सारे साथ हैं, नेतृत्व को लेकर स्थिति क्या है साफ नहीं। केंद्र में लड़ने के लिए साथ हैं, राज्यों में अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि 2024 चुनाव तक विपक्षी एकता कितनी मजबूत रहेगी? क्या सीट बंटवारे पर गठबंधन में कोई एकता बन पाएगी? क्या गठबंधन के नेतृत्व को लेकर सारे एक मत हो पाएंगे? क्या कांग्रेस का नेतृत्व सभी को कबूल होगा? कांग्रेस हाल के राज्य चुनावों में जीत का दम भर कर लड़ी थी, हार का वार सहकर लौटी है। बीजेपी से ज्यादा निशाने गठबंधन के साथियों ने ही साधे। जो परिणाम आए हैं
आने वाले समय में इससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है, तो बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए कि जो सरकार में है उनसे जनता नाराज है या जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है, तो आने वाले समय में भी परिवर्तन का वोट पड़ेगा, तो ये चिंता का सवाल बीजेपी के लिए है। बीजेपी की तीन राज्यों में बंपर जीत से ज्यादा चर्चे, गठबंधन इंडिया के अंदर चल रही उठापटक, कमरों के अंदर जो कस्में खाई गई थी कैमरों के आगे वो टूट रही। सामने 2024 का महारण है, गठबंधन इंडिया के सामने चुनौतियां ज्यादा हैं और समय कम। जुलाई महीने में इंडिया गठबंधन का गठन हुआ, 26 विपक्षी दल एक साथ आए, तब ये माना जा रहा था कि 5 राज्यों के चुनावों में गठबंधन का असर देखने को मिलेगा, लेकिन 3-3 मीटिंग्स के बाद भी गठबंधन में सीट शेयरिंग जैसे मुद्दे पर कोई बात नहीं हो पाई। फिर आ गए 5 राज्यों के चुनाव और इन चुनावों में जिस तरह गठबंधन के साथी एक दूसरे से पेश आए उससे लगने लगा कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और चुनावों के नतीजों के बाद आपसी मतभेद और मनभेद भी खुलकर सामने आए। महादुर्गा आ गई है, देखेंगे। और इस कारण को लोकसभा सदस्य बने रहना उचित नहीं होगा, इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। The Ethics Committee, without getting to the root of this, has decided to hang it. गठबंधन के लिहाज से यह तस्वीर बड़ी है, क्योंकि कुछ ही घंटों पहले तक इन्हीं दो दलों के नेताओं के बीच कोई सामंजस्य नहीं दिख रहा था। तेलंगाना शपथ ग्रहण से राहुल के फोन के बावजूद ममता ने दूरी बनाए रखी थी। महुआ की सांसदी गई तो कांग्रेस सहित संपूर्ण विपक्ष एक मंच पर आ गया, लेकिन ये एकता क्या 2024 तक बरकरार रहेगी? क्या टीएमसी और कांग्रेस के बीच सब ऑल इज वेल रहेगा? वो पैनिक रिएक्शन में है, वो जानते हैं जे अकेले कांग्रेस को हराना वो मुमकिन है, लेकिन अगर ममता दीदी और पूरा सीनियर लीडर्स को लेकर एक साथ ये इंडिया अलायंस मैदान में आ गई तो उसको हराना नामुमकिन है, तो इसीलिए वो पैनिक रिएक्शन काम कर रहे हैं। सवाल उठता है कि अभी राज्य स्तर पर हुए चुनावों में जिस तरह की तल्खी गठबंधन के साथियों के बीच देखने को मिली, क्या वो मोदी के खिलाफ चुनाव में मिट जाएगी? क्या मोदी विरोध के नाम पर सभी दल आपसी कड़वाहट भुलाकर एक साथ आएंगे? विदाउट एविडेंस, सिर्फ किसी के शब्दों के आधार पर, एक फॉर्मर बॉयफ्रेंड के शब्दों के आधार पर, फिर एक इंडस्ट्रियलिस्ट के शब्दों के आधार पर उनको गिल्टी ठहरा दिया गया है, तो इट गोज अगेंस्ट द नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस। तो मैं मानती हूँ यहाँ पे जिस तरीके से काम हुआ है, मोटिवेटेड हुआ है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हुआ है। महुआ मोइत्रा जी दो ऐसी मुखर आवाजें थी जो लगातार ये डिमांड कर रही थी कि अदानी के ऊपर जो मैसिव करप्शन के एलिगेशंस लगे हैं उसकी जांच हो, तो ये भाजपा की एक कोशिश है ये आवाजों को दबाने की, जिसमें वो सफल नहीं होगी। हम महुआ मोइत्रा जी के साथ खड़े हैं। ये सारे सोची समझी राजनीति है, नया संसद में नया कानून, नया तरीके से आवाज का बंद करने का मोदी जी और अमित शाह जी का साजिश है। गठबंधन से साथियों को इनकार नहीं है, लेकिन किंतु परंतुओं की कोई कमी नहीं है। विधानसभा चुनावों में बिखरे दिखे विपक्षी दल अब शर्तों पर सहमति बनने के बाद साथ दिखना चाहते हैं। कांग्रेस अपने ईगो से जब तक बाहर नहीं निकलेगी और क्षेत्रीय दल को आगे खड़ा करके पीछे नहीं खड़ी होगी, तब तक 24 में कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़के बीजेपी को किसी प्रकार की क्षति पहुंचा पाना संभव नहीं दिख रहा है। हर क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में बहुत मजबूत स्थिति में है, आपको उनको आगे बढ़ाना होगा। लोकसभा को 80 सीटें देने वाले सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से अखिलेश विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा, लेकिन आहत है गठबंधन में साथियों के व्यवहार से। बड़ी उम्मीद से मध्य प्रदेश चुनाव में अपने कुछ प्रत्याशियों के लिए सीट मांगने गठबंधन के साथी कांग्रेस के पास गए थे, लेकिन सीट तो एक नहीं मिली, उल्टे पहचान का ही संकट खड़ा हो गया। अरे भाई छोड़ो अखिलेश, कमलनाथ जी से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और नाम देखो इनका कितना अच्छा है, जिनके नाम पे ही कमल हो, जिनके नाम में ही कमल हो,
तो वो अखिलेश ही कहेंगे और क्या, अखिलेश तो नहीं कहेंगे ना। कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। दूध के जले अखिलेश अब गठबंधन की छाछ भी फूंक फूंक कर पीना चाहते हैं। गठबंधन से उन्हें इनकार नहीं, लेकिन उनकी पार्टी के तेवर बता रहे हैं कि अपमान भूलेंगे नहीं। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी दो सीटों पर कैसे गठबंधन का गुजारा करेगी, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अभी तो अखिलेश को भी ये सोचना होगा कि आरएलडी को कितनी सीटें देंगे। नीतीश ने मांग ली सीटें तो क्या कहेंगे, आम आदमी पार्टी के साथ कैसे तालमेल करेंगे। दीदी ने कहा कि कुछ सीटें उन्हें भी चाहिए, तो कैसे संभालेंगे स्थिति, सवाल कई हैं। अब जरा गठबंधन की दूसरी बड़ी ताकत ममता बनर्जी की तरफ देख लीजिए। 6 दिसंबर की बैठक में जानकारी न होने की बात कहकर नहीं गई और तेलंगाना शपथ ग्रहण कार्यक्रम में अपने प्रतिनिधि को भेजकर गठबंधन धर्म निभाने की औपचारिकता पूरी कर दी। पश्चिम बंगाल में दीदी का दांव चलता है, यहाँ की राजनीति में कांग्रेस नीचे के पायदान पर आती है। ऐसे में कितनी सीटें मांगेंगे और कितनी दीदी छोड़ेंगे, ये सवाल दिलचस्प होने वाला है। और फिर गठबंधन में तो लेफ्ट दल भी है, वो भी तो कुछ सीटें चाहेंगे। इरादा स्पष्ट होनी चाहिए कि क्या आप चाहते हो, क्या इस देश की धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य जो भारत है, जो हमारा संविधान जो कहता है, क्या उसको सुरक्षित रखना है या नहीं, ये हम समझेंगे सबसे अहम सवाल। आज हमारे देश की संविधान और हमारे देश की जनतंत्र की सुरक्षा करना अनिवार्य है, इसके लिए सबको मिलजुल कर कोऑपरेट करने की जरूरत है। बिहार में भी गठबंधन की स्थिति को समझते हैं। नीतीश के इस ताजा बयान के अर्थ कई निकाले जा सकते हैं। हम तो चाहते ही हैं कि तेजी से सब लोग करें काम और अलग अलग राज्यों का हम आपको बता देते हैं। अब एक ही चीज हम आप लोगों को बोल देते हैं कि अगला मीटिंग होगा तो उसमें हम फिर बता देंगे कि बहुत तेजी से आपस में बातचीत करके आगे का तय कर लीजिए, देर मत करिए। अब देर न रहे जी, हम एक साल से कितना दिन से कोशिश कर रहे हैं। तब बाकी बीच में चुनाव होता तो सब पटिया अपने अपने लिए लगे लहर जाता है, वो अलग चीज है। हम तो चाहते हैं कि जितने लोग एक साथ हैं हम मिल करके आगे भी अन्य राज्यों पर तो लड़ना है, उसके लिए हम लोग फिर जरूर लोगों को कहेंगे। नीतीश पुराने राजनीतिज्ञ हैं, बात को संभाल कर कहना जानते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले उन्होंने गठबंधन इंडिया में अब कुछ काम नहीं होने की बात कही थी। अब ये तो हो ही गया, तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, कहीं कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एक दूसरे काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में अपने प्रत्याशी उतारे। मध्य प्रदेश में 65 सीट पर लड़ी, 63 सीट पर जमानत जब्त। छत्तीसगढ़ में 54 सीट पर लड़ी, सभी सीटों पर जमानत जब्त। राजस्थान में 85 सीट पर लड़ी, 84 सीटों पर जमानत जब्त। पार्टी के प्रत्याशियों का जो हश्र हुआ सो हुआ, लेकिन कांग्रेस के वोट तो काट ही होंगे, क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उसका प्रचार कांग्रेस के खिलाफ होना स्वाभाविक है। पूरे देश में तीसरे नंबर पे आ गए। ये आम आदमी पार्टी भी गठबंधन इंडिया का मुख्य दल है। सीट बंटवारे को लेकर कैसे राय बनेगी, ये सवाल गठबंधन के सामने छोटा नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस सहित अन्य सहयोगी साथियों के लिए कितनी सीटें छोड़ेगी, ये समझ पाना आसान नहीं। यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जहां कांग्रेस बीजेपी से सीधे मुकाबले में थी, वहां गठबंधन कहीं दिखाई नहीं पड़ा। गठबंधन के नेताओं का आरोप था कि कांग्रेस ने गठबंधन को तरजीह नहीं दी। अब बारी क्षेत्रीय दलों की आएगी, तब वो जिस तरह अपना हिस्सा मांगेंगे उसी में गठबंधन की असल परीक्षा हो जाएगी।